हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का ये विज्ञप्ति है और आप सभी ने देख ली होगी, लेकिन कुछ डाउट हैं जो कि आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, तो उसी की बात करेंगे। बहुत अच्छे से देखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो कि इस बार रीट का एग्ज़ाम देंगे, या वो बच्चे जिन्होंने रीट 2021 का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो दोनों की ही बात जो है वो आज हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और वेबसाइट जो है वो आप ये देखें, rajedubo.rajasthan.government.in। कोई भी जानकारी होती है आप इस साइट पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। वहीं से मैंने जो है ये डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 और लेवल 2 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक है। और यह परीक्षा निर्धारित दिनांक और समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। तो यहाँ पर इन्होंने डेट जो है वह भी डिसाइड कर दी है, टाइम भी डिसाइड कर दिया है, ठीक है। यह परीक्षा जो है वो सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके जो है मार्क्स आपके आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा भर्ती प्रक्रिया वाला, तो उसमें आपके ये नंबर नहीं जुड़ेंगे। उक्त रीट परीक्षा आवेदन प्रक्रिया पात्रता मापदंड ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया जो है निम्न अनुसार है। देखिए, जिन्होंने भी जो है देख लिया है फिर भी वो है, इसे दोबारा से देखें, अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि आपको जो है फॉर्म भरना होगा, तब आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो आपकी है 18 अप्रैल से लेकर 18 मई रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। तो 18 मई तक का वेट नहीं करें, 18 अप्रैल के बाद जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग भरना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो पहली बार भरेंगे बच्चे, तो वो अच्छे से इस चीज़ को सुने, वीडियो को, जिससे कि आपके जो सारे भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए, एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की जो संभावित तिथि है, यानी संभावना है कि एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होंगे दिनांक 14/7/2022 शाम को 4 बजे तक, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो है इन्होंने पहले से डिसाइड कर दी है। एग्ज़ाम की डेट बता ही दी थी कि 23 जुलाई को या 24 जुलाई को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। फिर देखिए, इसमें दो पेपर होते हैं, जिसमें पहली पारी में जो पेपर होगा वो 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, और दूसरी पारी में जो पेपर होगा आपका 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। यानी पहली पारी में लेवल 1 का हो सकता है या लेवल 2 का हो सकता है, और द्वितीय पारी में लेवल 2 का या लेवल 1 किसी का भी हो सकता है, ठीक है। लेवल 1 क्या होता है, जिसमें पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के अध्यापक बनने के लिए आप लोग फॉर्म भरते हो, और द्वितीय पारी जो कि लेवल 2 का होगा शायद, तो लेवल 2 जो है वो बच्चे भरते हैं फॉर्म जिनको 6 से लेकर 8 क्लास के अध्यापक बनना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखें, इस परीक्षा के स्तर प्रथम और द्वितीय का पाठ्यक्रम जो है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के बाद बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, क्योंकि सिलेबस जो है वो जारी हो गया है, क्या चेंजमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखिए, आप इस साइट पर जाकर जो है फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बस ये जाने कि फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाएगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पर आपके जानने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो रीट लेवल 2 के, लेवल 1 के नहीं, केवल रीट लेवल 2 के 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी फॉर्म तो आपको भरना है और आपसे जो है वो कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो लेवल 1 है तो उनके लिए 550 रुपये है फॉर्म भरा जाएगा आपका। लेवल 2 के जो न्यू स्टूडेंट है, यानी आपने रीट 2021 में फॉर्म भरा था, चाहे आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया, उससे मतलब नहीं है। फॉर्म यदि आपने भर दिया था तो अब आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक नहीं भरा है, तो उनको लेवल 2 के हैं,
तो उनको 550 रुपये का शुल्क देना होगा। और दोनों स्तर के आवेदक हेतु स्तर प्रथम एवं स्तर द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए यहाँ पर बताया है 750 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये भी थी कि लेवल 2 वाले जो हैं, जो बीएड धारी हैं, उनको लेवल 1 से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आगे तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर ये बता दिया है लेवल 1 लेवल 2 दोनों के फॉर्म आप भर सकते हो, 750 रुपये आपका जो है शुल्क लिया जाएगा। और जिन बच्चों ने 2021 में एग्जाम दिया था लेवल 2 का और लेवल 1 का फॉर्म नहीं भरा था, तो वो इस बार लेवल 2 का फॉर्म जो है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन लेवल 1 के फॉर्म के लिए आपसे 200 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने आज तक जो है रीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है और इस बार आप दोगे 2022 का, तो आपसे लेवल 1 वालों से 550 रुपये फीस ली जाएगी, लेवल 2 वालों से 550 रुपये फीस ली जाएगी। दोनों आप फॉर्म भरते हो तो 750 रुपये लिए जाएंगे। और जो 2021 वाले बच्चे हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म भरने हैं, यानी कि लेवल 2 का उन्होंने पहले दिया था और लेवल 1 का नहीं दिया था, तो लेवल 2 का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क यहाँ लिया जाएगा यदि आप लेवल 1 का फॉर्म भरते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखें कि रीट का एग्जाम जो है वो कौन कौन दे सकता है। रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेंगी, जिन जो भी एग्जाम दे चुके हैं वो सभी जानते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार देंगे, तो उनको जानना बहुत जरूरी है कि क्लास 1 से 5 तक, यानी लेवल 1 जिसको हम बोल रहे हैं, इसके शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेंगी। न्यूनतम 50% जो है मार्क्स आपके जो है होने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो उसमें उत्तीर्ण हो, या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। यानी कि आप जो हैं, यदि बीएड सॉरी बीएसटीसी जो है वो आपने की है और लास्ट ईयर में हो आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और उच्चतर माध्यमिक जो आपका होगा उसमें 50% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे कहते हैं कि हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, हम अभी एसटीसी कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर वाले जो हैं जो पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके रीट का रिजल्ट आने से पहले आपकी जो है मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा में आप उत्तीर्ण हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो। ठीक है, इसके अलावा भी है, देखिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय आपने जो है जो स्नातक किया हो या बीएलएड में उत्तीर्ण हो, तो इस कोर्स के अंतिम वर्ष में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और भी देखिए ऑप्शन है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और एवं शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा वाले है ना, उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण और इसी कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो आपने उत्तीर्ण किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारे जो है ऑप्शन आपके लिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि किसी ने 1 वर्ष का डिप्लोमा लिया है, किसी ने 2 वर्ष का लिया है, कोई विशेष शिक्षा वाले हैं, तो आप देख लें। ठीक है, कि आप किसके अंदर जो है वो आते हैं। उसके बाद क्लास 6 से 8 तक के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। जिन्होंने भी बीएड किया है तो यहाँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, या फिर अंतिम वर्ष में आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड आपने उत्तीर्ण किया है, या बीएड के अंतिम वर्ष में चल रहे हो तो भी फॉर्म भर पाओगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड किया है, तो और इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय के अनुसार प्राप्त किया है, आप फॉर्म भर सकते हो।
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने ग्रेजुएशन BLED में उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में आप पढ़ रहे हैं तो भी आप भर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी का 1 वर्ष का होता है, किसी का 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA, BSc, BEd या BA BEd या BSc BEd में उत्तीर्ण इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो आप कर सकते हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं BEd में उत्तीर्ण या BEd के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ ही आपने BEd किया हो या BEd के लास्ट ईयर में हो, आप फॉर्म भर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है नोट में, इम्पोर्टेंट देखें क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 13 नवंबर 2019 द्वारा दिए गए संशोधन कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर एवं BEd में अंकित परंतुक जोड़ा गया, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में स्नातक और समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला लिया हो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दिए गए थे वो सिर्फ 2011 के बाद के बच्चों के लिए है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीट 2022, ठीक है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर बताया है कि एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या होता है, क्योंकि पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को नहीं पता है सिलेबस जो है वो क्या रहता है। पूरी डिटेल सिलेबस की जो है वो भी आ चुकी है, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि सिलेबस में क्या बदलाव हो गया है, साइकोलॉजी में क्या बदलाव है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आपके सामाजिक अध्ययन में, पर्यावरण अध्ययन में क्या आपके चेंजमेंट है। थोड़ा सा ये जान ले जो भी नए बच्चे एग्जाम देंगे कि जो है यहाँ पर देखिए कितने पार्ट होते हैं। यहाँ पर लेवल 1 की यदि हम बात करें जो कि क्लास 1 से 5th तक आप लोग एग्जाम दोगे तो अधिकतम अंक आप यानी कि आपके 150 जो है यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, 150 नंबर का, 2.5 घंटे टाइम आपको मिलता है। पहला पेपर आपका बाल विकास शिक्षण विधियों का होगा जिसमें 30 आपके क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 30 अंक के, ठीक है, और उसके बाद लैंग्वेज 1 जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये सभी सब्जेक्ट होंगे, भाषा होंगी ये, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो लैंग्वेज 1 के रूप में, लेकिन शर्त ये होती है कि इनमें से जो भी आप लैंग्वेज 1 में चूज कर रहे हो लैंग्वेज 2 जो है भाषा द्वितीय जो है उसमें वो चीज आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। यानी आपने यहाँ पर हिंदी चूज की है तो सेकंड में आपको हिंदी छोड़कर आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 30 प्रश्न जो है वो आपके आएंगे लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में भी आपके 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यह भाषा 1 के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी, जो कि मैंने आपको बताया, यानी आपने भाषा 1 में अगर अंग्रेजी लिया है तो आप भाषा 2 में अंग्रेजी छोड़कर आप कोई भी जो है यहाँ भाषा ले सकते हो। चौथा खंड है आपका मैथ का जिसमें 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। पांचवा है पर्यावरण अध्ययन जिसमें 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1, 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। जो भी आप फॉर्म फिल करोगे, जो भी भाषा भाषा 1 आप फिल करोगे हिंदी, तो आप हिंदी के ही 30 क्वेश्चन आप करोगे। भाषा 2 अंग्रेजी आपने ली है तो अंग्रेजी के ही करोगे। दूसरी भाषा के अगर आप सॉल्व कर देते हो तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, प्रश्नों का जो स्तर होगा यानी लेवल जो होगा, नेचर जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर आप 6 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कठिनाई स्तर होगा वो आपका कक्षा 10 तक का होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाओगे, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो 2021-22 में जो पुस्तकें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और एक और चेंजमेंट है कि अभी तक हिंदी में पेपर होता था, इस बार जो है वो बायलिंगुअल होगा यानी कि दोनों भाषाएं होंगी। जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दें, जो भी अंग्रेजी में देना चाहते हैं अंग्रेजी में दें। ठीक है, जैसे CTET का पैटर्न होता है उसी तरीके से। अब देखिए 6ठी से 8वीं तक के अध्यापक बनने के लिए वही अधिकतम अंक यानी 150 का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय होगा। फर्स्ट पेपर वही साइकोलॉजी का होगा जैसे लेवल 1 में था, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, और सेकेंड पेपर जो होगा वही
लैंग्वेज का होगा, कोई भी आप लैंग्वेज एक यूज चूज करेंगे और 30 प्रश्न करेंगे, और लैंग्वेज जो 2 है उसमें लैंग्वेज 1 के अलावा जो भी आप चूज करना चाहें वो यहाँ पर वो करें, जिस तरीके से मैंने अभी आपको लेवल 1 में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा खंड जो है, तो जो भी मैथ साइंस के हैं तो वो मैथ साइंस के क्वेश्चन करेंगे, 60 बहुविकल्प प्रश्न आते हैं 60 अंक के, ठीक है। और SST के जो बच्चे हैं तो उनके भी 60 आते हैं 60 अंक के। अन्य विषय के शिक्षक के लिए यहाँ पर भी 60 जो है वो क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, 30 हिंदी लैंग्वेज, 30 इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपने चूज की है, और 60 जो है वो आपके सब्जेक्ट के। अब यहाँ पर कठिनाई स्तर जो है वो क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आप पढ़ाओगे, सबसे पहली बात तो इनको पढ़ाओगे तो वो बुक्स का ज्ञान तो आपको होना चाहिए, ठीक है, यानी 6 से 8 तक आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए क्योंकि आप उनको पढ़ाने वाले हो। इसके अलावा आप शिक्षक हो तो आपको उससे ज़्यादा थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th तक का होगा, यानी आप 10th तक की क्लास जो है उनके जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कठिनाई स्तर का यानी कि क्वेश्चन का जो जो भाषा है वो आपकी 12th तक की पूछी जाती है, नॉलेज आपकी 10th तक ही पूछी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 2021-22 की जो है जो पुस्तकें आपकी स्कूल में चल रही हैं, जिनको मैं अभी यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, तो वो बिल्कुल सही हैं, आप लोग बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि RBSC जो है वो आप पढ़ें या NCERT पढ़ें, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे परीक्षा प्रक्रिया और आयोजन, ये तो आपने देख लिया, 23-24 जुलाई को जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, और आपका लेवल 1 का 10 बजे से 12:30 बजे तक, और सेकंड का 3 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरी बात जो है वो क्लियर कर दी है मैंने बहुत अच्छे तरीके से, और बाकी आप साइट पर जाकर जो है और भी जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं डिटेल में वो आप लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना वही है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इस बार जो हुआ था एग्जाम में 2021 वाले में, ठीक है, तो बहुत सारे जो हैं नकल अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े भी गए थे, तो यहाँ पर बहुत ही सख्त जो है इन्होंने नियम लगा दिए हैं कि 3 वर्ष तक के कठोर कारावास, और यहाँ पर देखिए 1 लाख जो है रुपए न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जो है जो बच्चे सोच रहे थे कि ऐसे ही एग्ज़ाम जो है वो निकाल लेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम अब नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप देख लीजिए, और बाकी देखिए जनरल कैटेगरी जो है नॉन TSP वाले 60% और TSP वाले 60% जो है वो मार्क्स लाना जरूरी है, ST जो है वो 55%, नॉन TSP वाले 36%, TSP वाले, ठीक है, SC OBC MBC EWS 55% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा जो विधवा हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं 50%, दिव्यांग जो है 40%, सहरिया जनजाति के व्यक्ति जो है वो 36%। अब ये मानकर नहीं चलना है कि हमें तो 60% मार्क्स ही लाने हैं, जब आप 80% मानकर चलोगे तभी आपके 60% आ पाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है पिछली बार से थोड़ा सा जो है वो आपको लेवल थोड़ा सा अच्छा सा मिलेगा इस बार, तो बाकी सभी जो है बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप साइट देख लीजिए rajedubo.rajasthan.government.in, यहाँ पर जाकर जो रीट राज 2022 इस पर ये जो लिंक है इस पर आप जैसे ही करते हैं क्लिक तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाकी मिल जाएगी। तो चलिए इसके बाद जो है वो सिलेबस जो आपका जारी किया गया है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।